सबसे लेटेस्ट सबसे हैवी क्वालिटी में आज हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें आप 4K तक का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 4K लेवल तक का गेमिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस कंप्यूटर में हमने सारा पार्ट्स हाइंड रखा है, अगर आप हाइंड गेमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पीसी परफेक्ट होने वाला है। साथ ही अगर वीडियो एडिटिंग का हैवी एडिटिंग करना चाहते हैं, एनिमेशन वगैरह टेक्स्ट वगैरह का काम है, तो आपके लिए ये कंप्यूटर बहुत ही परफेक्ट होने वाला है। इस कंप्यूटर में आप बिना लैगिंग का वीडियो एडिटिंग, साथ ही ये कंप्यूटर काफी स्मूथली गेमिंग कराने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स यूज हो रहे हैं, सभी कंप्यूटर का क्या प्राइस आने वाला है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल NCL कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इस कंप्यूटर में हम जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो है इंटेल का कोर i7 का 13th जनरेशन। इस प्रोसेसर का मॉडल है 13700K, जिसमें आपको इनबिल्ट ग्राफिक मिल जाता है। इस प्रोसेसर का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 5.40 गीगाहर्ट्ज़ का। इस प्रोसेसर में आपको 16 कोर और 24 थ्रेड्स मिलते हैं। इसके बाद जो हम इस कंप्यूटर में मदरबोर्ड यूज कर रहे हैं वो है गीगाबाइट का। इस मदरबोर्ड का मॉडल है Z790M Aorus Elite AX। इस मदरबोर्ड में आपको 4 रैम स्लॉट मिलता है, साथ ही इस मदरबोर्ड में आपको ब्लूटूथ वाईफाई का भी सपोर्ट है। ये मदरबोर्ड हीटसिंक के साथ आता है, सबसे हैवी एंड सबसे प्रीमियम मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड में आप DDR5 रैम लगा सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आप 12th और 13th जनरेशन तक के प्रोसेसर को लगा सकते हैं। साथ ही इस मदरबोर्ड में अगर आप 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते हैं तो इजीली लगा सकते हैं। इस मदरबोर्ड में आपको NVMe का 3 स्लॉट मिलता है, यानी आप 3 NVMe SSD लगा सकते हैं। साथ ही इस कंप्यूटर में हम 64GB का DDR5 रैम यूज कर रहे हैं, जो कि Corsair ब्रांड का है, व्यंजन सीरीज में आता है। इसमें आपको हीट सिंक के साथ मिलता है। इस रैम का जो स्पीड है वो है 52 MHz का, जिसमें हमने 16 GB की 4 रैम स्टिक यूज की है। इसके बाद इस कंप्यूटर में हम Corsair ब्रांड का Gen 4 का NVMe SSD यूज कर रहे हैं, जो कि 1 TB का है। इसके साथ ही हमने स्टोरेज के लिए एक और 1 TB की NVMe SSD यूज की है, जो कि बेसिक सा है, Gen 3 का। इसके बाद इस कंप्यूटर में हम डीप कूल का लिक्विड कूलर यूज कर रहे हैं, जिसका मॉडल है LE520। ये लिक्विड कूलर 2 RGB फैन के साथ आता है। इसके बाद हम इस कंप्यूटर में डीप कूल का 850 वाट का पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, जो कि गोल्ड सीरीज में है। इस कंप्यूटर के लिए सबसे हैवी पावर सप्लाई है। ये पावर सप्लाई फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है। इस कंप्यूटर में हम गीगाबाइट का 4068GB का DDR6 वेरिएंट में ग्राफिक्स कार्ड यूज कर रहे हैं, जो कि इन सभी काम करने के लिए सबसे हैवी पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड है। इस कंप्यूटर में हम जो गेमिंग कैबिनेट यूज कर रहे हैं वो है एंट स्पोर्ट्स का। इस कैबिनेट का मॉडल है 511 मैक्स। ये काफी प्रीमियम सेगमेंट का कैबिनेट है, अगर आप गेमिंग एडिटिंग करने के लिए ले रहे हैं तो ये परफेक्ट कैबिनेट है। इस कॉम्बिनेशन में बहुत ही जबरदस्त कैबिनेट। इस कंप्यूटर में हम हाइपर एक्स का मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, साथ ही इस कंप्यूटर में हम लॉजिटेक का G502 मॉडल का जो माउस आता है वो गेमिंग माउस यूज कर रहे हैं। साथ ही हम इसमें जो मॉनिटर यूज कर रहे हैं वो है गीगाबाइट का 32 इंच का कर्व LED मॉनिटर है। इस मॉनिटर का रिफ्रेश रेट 165 Hz का है। ये LED मॉनिटर 4K है, साथ ही इस मॉनिटर का पिक्चर क्वालिटी सबसे बेस्ट आपको आउटपुट निकाल के देगा, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए परफेक्ट LED मॉनिटर। तो चलिए हम पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं असेंबल होने के बाद फाइनली पीसी का कैसा लुक आता है, साथ ही हम जानते हैं इस पीसी का क्या प्राइस होने वाला है। हमारा पीसी बिल्ड होकर के रेडी है, लुक कैसा आ रहा है वो आप देख करके बताइए। इस पीसी में आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, हैवी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो जबरदस्त पीसी, बहुत खतरनाक पीसी इस कंप्यूटर में आपका सारा काम हो जाएगा। हाइट पीसी है, जितना हैवी काम करना है सारा हो जाएगा। ये कंप्लीट पीसी बिल्ड का प्राइस 2 लाख रुपया है, यानी कि 2 लाख रुपए में इस तरह का पीसी आप इजीली बिल्ड कर सकते हैं। 2 लाख के अंदर ये कंप्लीट पीसी बिल्ड हो गया है। इस पीसी में जो जो पार्ट्स हमने यूज किया वो मैंने डिटेल में बता दिया आपको। जैसे कि देख सकते हैं ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है, जिसमें कि आपको एक हैंड रेस्ट मिल जाता है अलग से, इसे आप अटैच और डिटैच दोनों कर सकते हैं। साथ ही इसमें जो माउस मिला है लॉजिटेक का, वो भी जबरदस्त है, जिसका आप वेट इससे मैनेज कर सकते हैं। इसमें वेट एडजस्ट करने का ऑप्शन दिया है, यहाँ से अगर आप माउस का वेट को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो वो माउस में लगा करके एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही हमने जो मॉनिटर कर्व में यूज किया उसमें बहुत सारा फीचर है। एक तो हाइट इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, प्लस इसको टिल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, और साथ ही देख सकते हैं मॉनिटर का कितना खतरनाक लुक है। बहुत ही हैवी मॉनिटर है, अगर आप प्रोफेशनल काम करने के लिए लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत परफेक्ट LED मॉनिटर होने वाला है। 165 Hz का ये मॉनिटर है, 4K रेजोल्यूशन में अच्छे से वीडियो एडिटिंग, अच्छे से गेमिंग करा देगा ये मॉनिटर। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं CPU बनने के बाद CPU का क्या लुक आया है। यहाँ पे हमने जो लिक्विड कूलिंग लगाया है वो बहुत ही खतरनाक लुक दे रहा है,
बहुत ही डिसेंट सा लुक आ रहा है हमारे कंप्यूटर का। इस सीपीयू में हमने जो ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है इसमें आपको 4 डिस्प्ले आउटपुट दिख रहे हैं, यानी कि इसमें आप मैक्सिमम 4 मॉनिटर तक इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक ग्राफिक्स कार्ड लगाने का और ऑप्शन है, अगर आप एक ग्राफिक्स बढ़ाना चाहते हैं तो इस कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स और भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस तरह का पीसी बिल्ड कराना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल और एड्रेस स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहां से आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।